हेलो बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए, आज की पाठशाला में हम कक्षा 5 रेनबो से लेसन नंबर 5 रन को पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। रन यानी दौड़ना। यहाँ आप चित्र देख रहे हैं, कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं। आपको भी दौड़ना पसंद होता है ना? इसे मैरी दांते जी ने लिखा है। मेरी दांते कहती हैं, अवे फ्रॉम द सिटी एंड इन टू द सन, आउट टू द कंट्री, रन 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 इन द रेन ड्रॉप्स, रन बीनीथ द ट्रीज, रन लिटिल रेसेस विथ ईच लिटिल ब्रिज, रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लेन, रन थ्रू द मीडो, देन रन बैक अगेन, रन एंड बी मेरी ऑल थ्रू द डे, रन टू द कंट्री, अवे अवे अवे। आइए बच्चों, अब इसके अर्थ को हम समझते हैं। रन यानी दौड़ना। मैरी दांते कहती हैं, अवे फ्रॉम द सिटी, यानी सिटी यानी शहर, शहर से दूर, शहर के शोर शराबे से दूर, शहर के प्रदूषण से, शहर के शोर शराबे से, शहर के वातावरण से दूर, एंड इन टू द सन, सूर्य की रोशनी में, आउट टू द कंट्री, कंट्री का अर्थ होता है देश, लेकिन यहाँ पर कंट्री का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्र, आउट टू द कंट्री यानी ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर की तरफ, रन 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 दौड़िए, खूब दौड़िए, रन इन द रेन ड्रॉप्स। बच्चों, रेन ड्रॉप्स का अर्थ होता है वर्षा की बूंदे, तो इसका अर्थ है कि आप वर्षा की बूंदों के बीच भी दौड़िए, वर्षा को एंजॉय करिए, रन बीनीथ द ट्रीज, दौड़िए पेड़ की छांव में यानी पेड़ के नीचे, रन लिटिल रेसेस, आप छोटी छोटी दौड़ प्रतियोगिता करिए, विथ ईच लिटिल ब्रिज, हर बहती हुई मंद हवा, हल्की हवा के साथ, आप हल्की हवाओं के साथ भी दौड़ने की प्रतियोगिता करिए, रन डाउन द हिल साइड, हिल साइड यानी पहाड़ी क्षेत्र से नीचे दौड़िए, रन अप द लेन, लेन का अर्थ होता है गली, तो आप गलियां हैं उनके बीच भी दौड़िए, रन थ्रू द मीडो, मीडो का अर्थ होता है घास के मैदान, उसके घास के मैदान के मध्य से भी आप दौड़िए यानी एंजॉय करिए, देन रन बैक अगेन, रन बैक वापस दौड़िए, अगेन फिर से। मैरी दांते का कहना है कि बच्चों आप एंजॉय करिए, दौड़िए, खेलिए कूदिए, रन एंड बी मैरी, दौड़ो और खुश रहो, प्रसन्न रहो, ऑल थ्रू द डे पूरे दिन भर, रन टू द कंट्री ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ दौड़ो, अवे 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 दूर दूर दूर। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस का को हल करते हैं। क्वेश्चन ए, व्हाट डज द पोएम टेल अस टू डू? आंसर, The poem tells us to run and to remain happy throughout the day. Next question B, name the places where the child wants to run. Answer, the child wants to run away from the city, into the sun, towards the country, in the raindrops, underneath the trees, down the hillside, through the meadow. Question C, do you like to play and run about? Why? Answer, yes, I like to play and run about. It gives me joy and the feelings of togetherness with my friends. It is also good for health. Find out the opposite of the given words from the poem. In, out, above, below, more, less, front, behind, near, far. अगला है डबल ई या ई ए का प्रयोग करके खाली स्थान को कंप्लीट करना है। आप इसे देखकर कर लीजिए। थैंक यू।